आपको वन बाय वन हर फील्ड की लेडीज यहाँ पे हर शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट स्पीकर अपनी जो मुंबई से है, जो अपने प्रोफेशन के साथ एज अ टीचर उनका प्रोफेशन रहा है और बहुत अच्छे पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड कर रहे लास्ट 2-3 साल से, और उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल अचीव किया है। मगर जो उनकी कहानी है उनकी जुबानी हम सुनेंगे कि उन्होंने कैसे किया है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हम सब मिलके उनको वेलकम करते हैं मुंबई से, अल्पा राठौड़ जी को। अल्पा बेन, वेलकम टू वुमन एम्पावरमेंट, नाउ स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू सो मच पारुलबेन, थैंक्स अ लॉट फॉर इंट्रोडक्शन। नमस्ते फ्रेंड्स, नाम अल्पा राठौड़ है, मुंबई से हूँ और आज रियली बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर के लेडी एंटरप्रेन्योर से आज बात करने वाली हूँ, राइट? तो आप सभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे हमें सुनने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। और आज का फ्रेंड्स हमारा ये जो सेशन है ना, उसका मेन हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम आपको विश्वास दिला पाए कि ये प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज पॉसिबल है, और वो हमने किस तरह से किया, बस उसी की थोड़ी सी हमारी जर्नी के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो यस, मेरा नाम अल्पा राठौड़ है, मुंबई से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर थी यहाँ पे। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो रिसोर्स मैनेजमेंट में हुआ था। अच्छे खासे ग्रेजुएशन के बाद, डिग्री के बाद हर एक का सपना होता है ना, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, राइट? कि हमारे सपने पूरे हो, हमारी आगे की जिंदगी बहुत बेहतर हो, हम कंधे से कंधा मिला के अपने स्पाउस को और हस्बैंड के साथ चल पाए, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड करें। फ्रेंड्स, मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ ना, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली थी, दो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में है, लेकिन बहुत ही कल्चर के साथ बड़े हुए थे। तो ना ही हमारे यहाँ किसी ने नौकरी की थी, पूरी बिजनेस फैमिली से आई थी, तो जॉब बैकग्राउंड मैंने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन मम्मी ने हमेशा एक स्पार्क दिया था लाइफ में कि बेटा आप अपने पैरों पे खड़े रहो, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने जॉब नहीं किया था, कोई लेडी घर के बाहर नहीं जाती थी, सब हाउसवाइफ थे। तो उनका हमेशा ये रहा था कि आप जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके एजुकेशन का आप अच्छे से उपयोग करो, अच्छे से उसे इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तो बचपन से वही थॉट प्रोसेस के साथ बड़ी हुई थी कि बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, अपना सक्सेस अपने हाथों से बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बचपन से मम्मी ने डाल ही दिया था जहन में कि हमें ये करना है। तो अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया, मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और शादी करके आई एक जॉब ओरिएंटेड घर में, जहाँ किसी ने बिजनेस नहीं किया था, सब जॉब वाले थे, हस्बैंड इज इन द जॉब में थे, फादर इन लॉ उनके पापा, मतलब पूरा जॉब कल्चर में आई। तो जो कल्चर मैंने कभी नहीं देखा था वहाँ पे सडनली ट्रांसफर हो गई, और सपोर्ट हस्बैंड का बहुत अच्छा था, उन्होंने परमिशन दे दी कि यस आप घर से बाहर निकलो, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ तुरंत जॉब भी मिल गया। तो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ लेक्चरर, यहाँ ही गवर्नमेंट कॉलेज में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैंने अपना करियर एज अ लेक्चरर शुरू किया। बहुत अच्छा सा चल रहा था, लाइफ बहुत स्मूथ थी, जो शायद अपने लिए सोचा था ना वो हर एक चीज हम दोनों ने मिलकर अचीव कर ली थी। पर कहते हैं ना कि हर एक चीज परमानेंट नहीं रहती है लाइफ में, कभी कभी ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको रियलिटी को फेस करना पड़ता है और समझ में आ जाता है कि जो शायद हम कर रहे हैं ना उसके सिवा कुछ और चीज की भी जरूरत है। और विद द ग्रेस मुझे ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ गई। ऐसा एक टाइम आया कि मुझे अपने जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि फैमिली और करियर के बीच में मुझे चॉइस करनी पड़ी कि या तो अभी मैं अपने जॉब को कंटिन्यू करूँ या घर में जो जरूरत है मेरी वहां पे अपना कॉन्सेंट्रेट करूं। 11 साल की बहुत अच्छी परमानेंट जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छे से सेट हो चुके थे, लेकिन डिसीजन लेने का टाइम आया तो एज अ लेडी हम क्या करते हैं, मल्टीटास्कर है ना, और हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी, हम कितना भी बाहर जाए ना फिर भी हमारी फैमिली ही रहती है। तो मेरे केस में भी वही हुआ, मैंने मेरी फैमिली को चूज कर लिया और जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन इनर बेल्ट में कहीं ना कहीं बहुत पेन हो रहा था कि आई एम नॉट फॉर दैट। यहाँ पे घर पे बैठ के
काम करने के लिए तो शायद मम्मी ने नहीं कभी कहा था, उन्होंने हमेशा एक स्पार्क दिया था कि बच्चा अपने पैरों पे खड़े रहो और अपना खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए, आप अपने पे होने चाहिए। तो बहुत पेन हो रहा था कि ऐसे ही एक साल निकल गया। आई स्टार्टेड माई करियर इन 1999, 2008 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, बहुत अच्छे से सेट रही। उसके बाद एक साल मैंने ब्रेक ले लिया था कि मेरे घर को शायद और मेरे बच्चों और मेरे इन लॉज को मेरी ज्यादा जरूरत थी। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड एज अ विजिटिंग लेक्चरर, यहाँ की मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैंने विजिटिंग लेक्चररशिप शुरू कर दी। अपने टाइम के हिसाब से जाती थी और अपना काम खत्म करती थी, लेकिन समहाउ वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। एक साल फिर ब्रेक लिया और तभी समझ में आया कि कुछ न करने पे कितना पेन होता है। देन आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट, मैंने यहाँ ही अपने ही एरिया में मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट शुरू किया, कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए और बहुत अच्छे से चलने लगे। विद इन द 1-2 साल में इतना अच्छा मेरा यहाँ पे हो गया, सेटअप हो गया कि वन ऑफ द वेल नोन कोचिंग क्लास में और ट्यूटोरियल्स में मेरा नाम आने लगा। मैंने 10 साल अपने कोचिंग क्लासेस चलाए थे, तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गई वापस, बहुत खुश थी। और तभी कहते हैं ना, भगवान ने कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा था। तो फिर एक बार मेरा डोर नॉक हो गया एक अपॉर्चुनिटी के साथ, जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के ही एक लेक्चरर थे गीता जी, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रेंड्स, जब इंट्रोड्यूस हुई ना, तभी ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा जॉब का तो एक्सपीरियंस था, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे खुद के ट्यूटोरियल्स भी बहुत अच्छे से चला रही थी। और जो बिजनेस में हमें दिखाया जाता है कि बिजनेस में आपको फॉरेन टूर मिलेगी, अच्छा फ्रीडम मिलेगा, शायद वो सभी लाइफस्टाइल हम जी रहे थे। घर में कार थी, मेरे बच्चे एवरी ईयर फॉरेन टूर करते थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये चीजों की शायद हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज थी कि प्रोडक्ट, मैं ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे एज अ करियर ले लूंगी। सो प्रोडक्ट को देख के ही और प्रोडक्ट यूज करने के लिए ही हम ये बिजनेस में आए थे। 1-1.5 साल तक मैंने सिर्फ एज अ कंज्यूमर ये प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज किए। लेकिन गॉड का मास्टर प्लान कुछ अलग रहता है ना, जब हमें समझ में नहीं आता है ना, तो वो हमें समझाने के और तरीके ढूंढ लेता है। और मेरे साथ लाइफ में एक हेल्थ चैलेंज आ गई। आपको थोड़ा बता दूं कि मैं एक लाइव डोनर हूँ। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था करीबन 4 साल पहले, किडनी ट्रांसप्लांट किया था। आई एम अ लाइव डोनर, तो नॉर्मली डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेरे केस में 2018 एंड में, जबकि ऑलरेडी हम बिजनेस में थे लेकिन बिल्कुल ही एक्टिव नहीं थे, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते थे। सो ऐसे हेल्थ चैलेंजेस आ गए जहाँ पे मेरे डॉक्टर को डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, दवाइयाँ चालू थी लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एंड दैट टाइम माई हस्बैंड इंट्रोड्यूस मी विद दिस सप्लीमेंट्री। उन्होंने डॉक्टर के अगेंस्ट जाके, ये प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन माई डॉक्टर वॉज नॉट रेडी विथ मी कि मैं ये सप्लीमेंट्री को कंज्यूम करूँ एज अ डोनर, मुझे नहीं करना चाहिए मेरे डॉक्टर के हिसाब से, मेरे न्यूरो फिजिशियन के हिसाब से। लेकिन माई हस्बैंड वॉज सो स्ट्रांग, उन्होंने ऑलरेडी ये सप्लीमेंट्रीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था, उनका सर्च आउट कर लिया था। तो ही सेड के यू आर ऑन माई रिस्क नाउ, आप सप्लीमेंट्री शुरू करो, जो भी होगा अभी मैं देख लूंगा, भले ही आपके डॉक्टर मना कर रहे। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, वो सप्लीमेंट्री ने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि विद इन द 2 महीने, जो 2 महीनों से मैं परेशान हो रही थी, वो पूरे मेरे सब हेल्थ चैलेंजेस और हेल्थ प्रॉब्लम है वो खत्म हो गए। एंड आई वाज ओवरकम टू ऑल द हेल्थ चैलेंजेस मेरे जो भी थे। तो ये एक टाइम आ गया कि जहाँ पे मैंने डाइवर्जन के बारे में सोच लिया कि नहीं, ये कुछ तो है जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया हस्बैंड एंड वाइफ ने कि वी विल टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी को हम एज अ बिजनेस अभी डेवलप करेंगे। सो अराउंड 2019 के स्टार्टिंग में हमने डिसीजन लिया कि ये अपॉर्चुनिटी को एज अ करियर अब हम लेंगे, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। फ्रेंड्स बिलीव मी, ये बिजनेस इतना ऑसम है कि जो मेरी पूरी जो इनकम थी वो विद इन द ईयर हमने रिप्लेस कर ली। और अचीवमेंट की बात करूँ तो आज फ्री हूँ,
ट्यूटोरियल्स भी शट डाउन कर लिए हैं और फुल टाइम हम ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आज मेजर ऑफ द बिजनेस का काम मैं अकेले सिंगल हैंडेड और सिंगल शोल्डर ये पूरा वर्कआउट कर रही हूँ। माई हस्बैंड इज स्टिल वर्किंग, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। बिजनेस जब शुरुआत किया था ना फ्रेंड्स, तो एज अ हमने इसे कस्टमर के इसे ही शुरू किया था, तो माय फर्स्ट चेक वाज 234। तो मेरे बच्चे भी मुझ पे हंस रहे थे कि क्या मम्मी आप बोल रहे हो कि इसे एज अ अपॉर्चुनिटी आप लेंगे, लेकिन आपके प्रोफेशन में इसे ज्यादा आता है, तो व्हाई यू वांट टू डाइवर्ट, आप क्यों डाइवर्ट होना चाहते हो। मैंने तभी उनको बोला था कि नहीं, जो मैंने सीखा है और समझा है, शायद भगवान का कुछ अलग प्लान है और मुझे ये डाइवर्जन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ पे मुझे हेल्थ के इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद ये चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेट्स वर्क आउट ऑन दिस। तो हमने शुरुआत की, पहला चेक सिर्फ 234 का था और आज ब्लेस्ड हूँ कि 5 फिगर में चेक आ गया है। अराउंड 45,000 मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा विद इन द ईयर। तो फिर हमने मेरे सारे जो भी एक्टिविटीज थे वो शट डाउन किए एंड फुल टाइम ये प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारी पिछले 1 से 1.5 साल की जो एज अ करियर लेने के बाद की जर्नी रही फ्रेंड्स, ऑसम रहा। सी एवरीथिंग इज नॉट ईजी, हर एक चीज बहुत ईजिली हमारे बास्केट में नहीं आती है, राइट? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो प्रोफेशन के साथ मैंने भी सीधा ही शट डाउन नहीं लिया था। जब ये बिजनेस 2019 के स्टार्टिंग में हमने डिसीजन लिया कि ये प्लेटफॉर्म को हम करियर लेंगे, तभी ऑलरेडी आई वाज वर्किंग। मेरे बिजी शेड्यूल में मैं सुबह 9 बजे अपना ट्यूटोरियल शुरू करती थी, शाम को 7:30-8, और व्हेन द एग्जाम्स एंड ऐसा कुछ चलता था तो मेरे शटडाउन का कोई टाइम नहीं था। तो मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं था तब कि ये बिजनेस को मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। लेकिन जो भी आधा पौना घंटा लंच में या बीच में ब्रेक टाइम मिलता था, तभी कॉलिंग करती थी और लोगों से बात करना शुरू करती थी। देन टाइम आया, धीरे धीरे मैंने अपने ट्यूटोरियल्स का टाइम नीचे से कम करना शुरू कर दिया। सी वी आर अ मल्टीटास्कर, हमें हर एक चीज का मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी समझ है। हम एज अ लेडीज हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, राइट? फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो, फैमिली मैनेजमेंट हो, हमारी अदर एक्टिविटी हो, हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, सिर्फ हमें उसके बारे में सोचना है। सो हमने धीरे धीरे अपना टाइम एडजस्ट करना शुरू किया। जो ट्यूटोरियल्स में शाम को 7:30-8 बजे वाइंड अप करती थी, वो कहीं ना कहीं मैंने 5 बजे बंद करना शुरू कर दिया। एंड माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, वो 5 बजे वो भी अपना ऑफिस का 5:30-6 तक फ्री होते थे, उसके बाद सीधा ट्रेन पकड़ के घर से बाहर। सो हमने काम करना शुरू किया शाम को 7 बजे से लेके 12:00। बहुत बार हम मुंबई से है तो लोकल ट्रेन से ट्रेवलिंग करते थे, हमारी लास्ट की लोकल ट्रेन मिस हो जाती थी और फिर हम ओला उबेर या ऐसा कुछ करके घर पहुंचते थे मिडनाइट को। तो इस तरह से ये जर्नी को हमने दोनों ने अपने जॉब और प्रोफेशन के साथ टाइम को एडजस्ट करते हुए दो दो तीन तीन घंटा कहीं ना कहीं से स्ट्रेच आउट करते थे और किया। और कहां ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद और धीरे धीरे मैंने अपने ट्यूटोरियल्स के टाइम सिर्फ सुबह कर दिए और 2 बजे के बाद खुद को फ्री कर दिया, क्योंकि समझ में आने लगा कि नाउ मेरे टीम में जो है उनको ज्यादा टीचिंग की और गाइडेंस की जरूरत है। तो 2 बजे वाइंड अप किए, 2 बजे ट्रेनिंग सेक्शन शुरू कर दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे डाइवर्जन लेते लेते पिछले 7 से 8 महीने से फुल टाइम ले रही हूँ अभी। सो टोटली बंद कर दिया है अपने ट्यूटोरियल्स को और आज ये फुल टाइम इसे एज अ करियर हमने ले लिया और बहुत अच्छा ग्रोथ है। सो फ्रेंड्स, आपसे ये जर्नी शेयर करने का हमारा बस एक ही मकसद है कि यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एज अ वुमन आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने एटीट्यूड, कैरेक्टर और अपनी डिग्निटी के साथ काम कर सकते हैं। आप सभी को पता है सोशल मीडिया पे डिजिटलाइजेशन हुआ, उससे पहले शायद हम भी डरते थे सोशल मीडिया पे काम करने से, लेकिन बहुत बार हमारे मेंटोर्स ने भी बोला था कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप एक्सपोजर लो, वहां पे काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन डिजिटलाइज होने के बाद हमारे लिए ये कंपलसरी हो गया और आप बिलीव करो वो डिजिटलाइजेशन और ट्रेनिंग ने हमें इतना स्ट्रांग कर दिया कि आज सोशल मीडिया पे भी बिंदास हम काम करते हैं, एक एटीट्यूड, कैरेक्टर के साथ और एक एथिक के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हमें बहुत, कहते हैं ना, स्काई हैज नो लिमिट, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन ये एक्सपोजर को
हमें अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करके इस पे अच्छे से वर्कआउट करना है। आप सभी का स्वागत है ये प्लेटफॉर्म पे। वर्ल्ड का बहुत ही, मैं तो कहती हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हम लेडीज के लिए, जहाँ पे आज डिजिटलाइज माध्यम से घर में सेफ होते हुए, घर में बैठ के हमारे बच्चों को, हमारे काम को, हर एक चीज को मैनेज करते करते ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। सी आज भी दोपहर का एक थोड़ा सा समय है, हम एक दूसरे से बात करें, नहीं कर रहे होते तो क्या करते? टीवी शुरू कर देते या फ्रेंड्स से गप्पे मारते। तो जो खाली समय है, वही खाली समय को तो हमें यूटिलाइज करना है। अगर ये खाली समय आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छा मुकाम दे सकती है, आपको एक अपनी आइडेंटिटी दे सकती है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, आपके बच्चों ने जिस चीज पे हाथ रखा, मांगा भी नहीं, वो चीज उनके लिए आप ले आ सकते हो, तो क्या हमारे खाली समय को हम एक अच्छे बेहतर जिंदगी के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं? तो छोटा सा चेंज करना है। और सी, हम तो हमेशा कहते हैं, ना ही हम रिटेल के बिजनेस में है, ना ही हम प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, हमें तो सिर्फ ब्रांड चेंज करनी है, और उसमें भी हम बहुत माहिर है। आप मुझे बताइए, आपके घर में जो सामान आता है, क्या वो कौन सी ब्रांड का आना चाहिए, या हमारे किचन में कौन सा आटा या नमक यूज करना चाहिए, उससे उसके लिए क्या हमें हस्बैंड से परमिशन की जरूरत है? हमारे बाथरूम में कौन सा शैम्पू आएगा या कौन सा बाथिंग सोप आएगा, वो क्या हमें हमारे हस्बैंड या आजू बाजू वालों से पूछने की जरूरत है? राइट, इसका डिसीजन तो हम लेते हैं। तो हमें करना क्या है? सिर्फ एक ब्रांड तो चेंज करनी है, और यही ब्रांड चेंज करते करते अगर इनकम आ सकती है या एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट, राइट? सो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जहां पे हम अपने जो रियल स्किल्स है, लेडीज में बहुत पावर है, बहुत अच्छे स्किल्स है, बस वही स्किल्स को राइट डायरेक्शन से सिस्टम के साथ कनेक्ट होके यूज करना है। सो फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल लाइट मत लीजिए, ये बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, अल्पा राठौड़, मुंबई।